2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तैयारियों में जुटी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। ये बड़ा झटका लगा है घोसी में, जहां पर उपचुनाव में उनके प्रत्याशी दारा सिंह औंधे मुंह गिरे। इसके साथ ही उनका गठबंधन भी अब खटाई में पड़ता जा रहा है, जिसके तहत ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में जोड़ा गया था, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पर घोसी जिताने की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी ठीक से कितनी निभाई, इसका परिणाम सामने आ चुका है। दरअसल घोसी चुनाव से ठीक पहले भारी शोर शराबे के साथ बीजेपी और एनडीए से जुड़ने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर अपनी पहली परीक्षा में औंधे मुंह गिरे, यानी असफल हो गए। घोसी में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी, इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। न सिर्फ राजभर वोटों को साधने का जिम्मा राजभर के पास था, बल्कि यादवों समेत बाकी अन्य ओबीसी वोट का जिम्मा भी उन्हीं के हाथ में था। राजभर भी ये दम भरते रहे कि उनके पास ओबीसी का एक बड़ा तबका उनके साथ है, उनका वोटर, लेकिन घोसी चुनाव में इसकी पोल खुल गई। घोसी सीट पर जीत के बाद सपा दफ्तर के बाहर एक ऐसा पोस्टर लग गया है जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर की एक बड़ी फोटो लगाते हुए होल्डिंग लगाई गई है और इस होल्डिंग के जरिए दूसरे दलों को सावधान किया गया है। इसके साथ ही ओपी राजभर के कुछ वीडियो भी सामने आ रहे हैं। दरअसल इस होल्डिंग में लिखा गया है कि सभी दल सावधान रहें, ओपी राजभर एक दगे हुए कारतूस हैं। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया है। इसके अलावा एक वीडियो भी उनका सामने आया है जिसमें जमकर वो ट्रोल हो रहे हैं और उसमें बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सपा प्रमुख को सैफाई भेजने का दावा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। आपको बता दूं साथी, ये ओम प्रकाश राजभर के नाम का चुनाव है। इस चुनाव को दारा चौहान नहीं, ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है। इसको चुनाव को हम आपको मिलकर के जीतना है। तो बताओ चुनाव चिन्ह कब निशाने से न काबा? हमरे संगे बोला, हम बोलेंगे निशान काबा। कमल का फूल पिछली बार हमारे वाली दूसरे जगह भाई है, उन्होंने बहुत परेशान है बेचारे, बहुत परेशान है। लेकिन ये ना जाने तुमन कि घबरा मत तू लो, जितना धोखा हम दे ले हुए हमारे नेतन के, ओकर ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज सहित वह लौटा के हम सैफई ना पहुंचा देली, तसल अपने माँ बाप का बेटा नहीं, घबरा मत। अगर चुनाव मैदान में एक हो जाइए इंडियन, अगर चुनाव में भेंट हो जाइए, जहां जाबा तहां हम तैयार रहिला, हम लोग तो हमेशा तैयार रहिला। इतना घमंड रहा कि ओम प्रकाश राजभर के खत्म कर दे, अरे हमने का खत्म कर दे भाई, अब तू खत्म हो चुका। ये समझ लो 20 साल लगातार 27 से विपक्ष में बैठा का जुगार खाली बनावा, जीते का बात छोड़ दीता। बोला सही कहते गलत कहते, बड़ा बटूर जाए कि ना बटूर जाए, अरे कई मुख पर तो खाता न खुली वो डबाई न पाई है, कई कबूतर कम देख ले भाई, ये खाता न खुली। यो सोच ले है कि ओम प्रकाश राजभर का विचारधारा सोशल मीडिया टीवी अखबार मैगजीन से कितना लोग जानत हुआ जरा हाथ। अब वही सवाल ये भी है कि राजभर एक सीट नहीं जीता सकते तो प्रदेश भर में उनका कितना असर होगा, इसका अंदाजा जरूर बीजेपी लगा रही होगी। आपको बता दें कि 2022 के उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर के पुत्र भी चुनाव हार गए थे। वो हालांकि गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और दिल्ली में जाकर बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे और तमाम दावे कर रहे थे, लेकिन उनकी हकीकत जमीन पर नहीं दिख रही है। इसका उदाहरण घोसी हो गया है। ऐसे में उनके मंत्री बनने पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार। वहीं दारा सिंह जो कि विधायक थे लेकिन अब विधायक भी नहीं रहे, उनका भी मंत्री बनना बेहद मुश्किल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी ने उन्हें ये वादा किया था उनसे और उन्हें यह आश्वासन दिया था कि जैसे ही वो विधायक बनेंगे उन्हें यूपी की सरकार में पद दिया जाएगा, उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि 2024 के चुनाव को देखते हुए दारा सिंह जैसे बड़े नेता को पूर्वांचल में उतार कर बीजेपी अपने पाले में करके वोटरों को साधने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसकी ये पूरी कवायद धरी की धरी रह गई और घोसी में उनकी इस पूरी कवायद पर पानी फिर गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।